दोस्तों, पुराणों में, कथाओं में हनुमान जी की सच्ची भक्ति जग जाहिर है। श्री राम के लिए प्राणों की बलि तक को तैयार हनुमान जी जैसा भक्त होना मुश्किल है। इनकी भक्ति इतनी गहरी है कि कलयुग में उनकी मूर्तियों तक श्री राम के नाम का जाप कर रही है। दुनिया भर में हनुमान जी के कई चमत्कारी मंदिर हैं जहां लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है। उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर ऐसा भी है जहां हनुमान जी के होने का एहसास होता है। जी हां, मंदिर में मौजूद मूर्ति प्रसाद खाती है और मूर्ति के आसपास श्री राम नाम की आवाज़ भी सुनाई देती है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के इटावा से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बिल्लुआ महावीर मंदिर कहा जाता है। यहाँ दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं और लोगों का मानना है कि यहाँ दर्शन से भक्तों के गंभीर रोग भी ठीक हो जाते हैं। खास बात तो ये है कि मूर्ति के मुंह से लगातार राम नाम की आवाज़ सुनाई देती है, साथ ही मूर्ति में सांस चलने का आभास भी होता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि हनुमान जी को जितना भी प्रसाद के रूप में लड्डू और दूध चढ़ाया जाता है वह कहाँ गायब हो जाता है, ये एक रहस्य ही बना हुआ है। इस मंदिर का इतिहास विशेष है। यह मंदिर करीब 300 साल पुराना है। पहले मंदिर वाला क्षेत्र प्रताप नेर के राजा हुकुम चंद्र प्रताप सिंह चौहान के अधीन था। माना जाता है कि उनको हनुमान जी ने अपनी प्रतिमा इस क्षेत्र में स्थापित करने का स्वप्न दिया था। इसके तहत राजा हुकुम चंद्र इस स्थान पर आए और प्रतिमा को विधि विधान से इसी स्थान पर स्थापित कराकर मंदिर का निर्माण कराया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।